वक्फ ऑफिसर अब तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रहे, क्या उनसे कुछ तो उनका सांठगांठ है, क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग वहां पर इलीगल तरीके से शॉप बनाए कब्रों के ऊपर तोड़कर, उनको जो है सजा होना। आज इतनी प्रॉपर्टी वक्फ की बोर्ड की है, सब चोरी चोर 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 करके सब लोग, और इसमें बड़े बड़े एनुअल है, बड़े बड़े एनुअल है। सिर्फ हमारा कहना है कि वक्फ ऑफिसर अभी तक क्यों डिले कर रहे हैं। वो 9 एकड़ जाते हुए 7.5 एकड़ हुआ, बीच का जो रोड है उसका भी हमें कंपनसेशन आज तक नहीं मिला। कब्रों के ऊपर इलीगल तरीके से गैर कानूनी ढंग से कुछ लोगों ने वहां पर दुकानें जो है बनाया। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. आवाज तो अंदर अंदर की बात है, वाट ऑफिसर घर पे का है, देखे देखो नया देखो, आवाज दो हमें, हमारी मांगे पूरी करो, बंद खुशी करो, दिल्ली भर के और राटा, दिल्ली मैं इब्राहिम शेख, सोशल वर्कर। ये आज जो हम यहाँ प्रोटेस्ट का जो यहाँ पर रीज़न है, प्रोटेस्ट रखने का कारण ये है, हम चितापुर के रहवासी है, चितापुर से आए हैं। चितापुर के अंदर जो गैजेट नोटिफिकेशन 37 सर्वे नंबर 142 जो चितापुर के अंदर खतीब कब्रस्तान है, जो 54 के गैजेट में जो है गैजेट नोटिफिकेशन में एंट्री है, तो वो 9 एकड़ जाते हुए 7.5 एकड़ हुआ, बीच का जो रोड है उसका भी हमें कंपनसेशन आज तक नहीं मिला चितापुर के अंदर। और साथ ही साथ जो है कब्रों के ऊपर जो समाधि होती है कब्रों के ऊपर, इलीगल तरीके से गैर कानूनी ढंग से कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें जो है बनाया। ये 97 में दुकानें बनी, लेकिन आज तक 25 साल हुआ है ना, उसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के पास था, और हमारे पास RTI की कॉपी है, वक्फ बोर्ड ने दिया हुआ कि इसमें दुकानें ही नहीं है, एंट्री नहीं है दुकानें, तो ये दुकानें अचानक तो रातों रात तो नहीं बनी है साहब, ये 25 साल पुरानी है। तो हमने यहाँ वक्फ ऑफिसर को इसकी जो कंप्लेंट करने के बाद, शिकायत करने के बाद, वक्फ ऑफिसर ने हमको हेरिंग दिया। हेरिंग पर 6 हेरिंग हुई हमारी वहाँ पर, 6 हेरिंग में अभी तक का उसको नतीजे पर नहीं पहुँचे, जबकि 95 अंडर सेक्शन 90 जो कानून 1995 का जो कानून है वक्फ बोर्ड का, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ इसका, वापस को फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वक्फ से, वक्फ इस ऑल जो प्रॉपर्टी वक्फ में वापस आना बोलकर, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन वक्फ ऑफिसर अब तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या उनसे कुछ तो उनका सांठगांठ है, क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम एक वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर लेना बोलकर, जो इनलीगल तरीके से जो शॉप को बनाया गया, और इनलीगल तरीके से कमेटी अब तक का 97 में जो दुकानें बने, 2011 में जब डेमोल्यूशन हुआ मास्टर प्लानिंग के डेमोल्यूशन के बाद, ये लोग जो पुराने लोग जो दुकानें बनाए वो लोग जाके बेंगलुरु से नया परमिशन लाते हैं, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम है। हमने 2017 की मेरी कंप्लेंट है, फिर रिसेंटली भी कंप्लेंट है 4 महीना पहले की, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्यों चुप बैठे। वक्फ बोर्ड हमारे सब होने के बाद इतने सालों तक वक्फ बोर्ड में ना एंट्री था ये ना कुछ था, हमारे बोलने के बाद लाखों रुपये रिकवरी किए, लेकिन हमारे बोलने पर रिकवरी करने के बाद भी अभी तक तुम कमेटी क्यों नहीं अप्रूव कर रहे, अभी तक वही लोगों के फेवर में क्यों आप बात कर रहे हैं, वही लोगों को अभी तक का जाकर जो है ना, खाली वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ कब्रस्तान के ऊपर 7 डेज का नोटिस लगाए है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं की है, 7 डेज के बाद क्या हुआ है उनका वो कुछ नहीं मालूम है हमको। हमारा डिमांड ये है कि साहब, जो लोग वहाँ पर इनलीगल तरीके से शॉप बनाए कब्रों के ऊपर तोड़कर, उनको जो है सजा होना, और वो लोग जो इनलीगल तरीके से अभी तक का दुकान कमेटी चलाए, उसका जो भी उसका कार्रवाई होता है उनके ऊपर उचित कार्रवाई बिठा कर उनको जेल के शलाखों के पीछे भेजने का हमारा मेन ये है हमारा मोटो। नई कमेटी जो है हमारे सदर साहब, हमारे SKM सेठ जो कि पूरे गांव वाले इनके साथ है, अगर इलेक्शन भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे सदर साहब यही चुनकर आएंगे, खाजा मोइनुद्दीन उर्फ SKM सेठ, इनके तहरीर में हम यहाँ पर पूरे यहाँ लोकर आए हैं, और इसमें मस्जिद के अंदर जो है वक्फ बोर्ड वाले आकर जो है मस्जिद के अंदर मीटिंग लिए, मीटिंग लेने के बाद साइन हुआ लोगों के सहमति से इनको सदर बनाना बोलकर सब, और ये पेपर डिक्लेयर है, ऑन पेपर डिक्लेयर है, और सब कुछ होने के बाद वक्फ बोर्ड वाले हेरिंग लिए, हेरिंग लेने के बाद बोले कि भाई ठीक है हम इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाद में जो है फर्स्ट हेरिंग में जो है हमको बुलाया गया लेकिन वो खुद नहीं थे, फिर सेकेंड हेरिंग में हम जो RTI दिए, RTI में इनका जवाब था कि इनके पास हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ये कमेटी, लेकिन सेकेंड हेरिंग में उनके पास 2011 का परमिशन आता है, फिर हमको वक्फ बोर्ड वाले बोलते हैं कि ये गुलबर्गे से नहीं बेंगलुरु से हुआ, तो भाई बेंगलुरु से हुआ तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बेंगलुरु से हुआ है तो क्या गुलबर्गे में क्या इसका नहीं है, गुलबर्गे में भी एंट्री होना ना, ये गुलबर्गा काउंसिल वक्फ जो बोर्ड है, आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे मुस्लिम कौम जो है अगर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर मुसलमानों तक आए और वक्फ बोर्ड तक आए तो एक मुसलमान बेघर और बेदर दर नहीं भटकेगा,
ये हमको और आपको समझने की जरूरत है। आज इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, सब चोरी चोर 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 करके सब लोग, और इसमें बड़े बड़े एनुअल है, बड़े बड़े एनुअल है, बड़े बड़े सियासतदान क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन वही लोग इनके तहत में बात कर रहे हैं, वही लोग जो है चोरों का साथ दे रहे हैं। क्यों हम आवाम नहीं है? और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिशियन वाले उनको साथ दे रहे तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम आपको बरोबर जवाब देंगे और उसका सबक सिखाएंगे। और मैं आपके ताल्लुक से, आपके माध्यम से यही और एक बार कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड तक और हमारे जो साफी सादिक साहब है, जो ऊपर वक्फ बोर्ड है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन तक एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। साहब आप एक बहुत बेहतरीन वर्कर है, हमने देखा है आपका काम देखा है। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के भी जो चेयरमैन है हबीब शर्मा साहब और अरफाब साहब, इनका भी काम बहुत बेहतरीन काम है, ये भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी हमारी उंगली नहीं उठा रहे। सिर्फ हमारा कहना है कि वक्फ ऑफिसर अभी तक क्यों डिले कर रहे हैं, वक्फ ऑफिसर इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वक्फ ऑफिसर पुराने हैं। ये जो हबीब शर्मा साहब और अरफाज साहब जो चेयरमैन है, ये अभी रिसेंटली अगस्त में बने हैं, फिर भी उन्होंने हमारा साथ देते हुए अभी जो है वक्फ बोर्ड के अंडर में वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया है कब्रिस्तान। लेकिन मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ, लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि हम जो है इसका, अगर हमारा इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं हुआ तो इससे बड़ा हम उराटा करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला एक महीने के बाद, और जरूरत पड़ा तो दिल्ली बेंगलोर तक भी जाएंगे। नासिर खान उस्मान खान चितापुर तालुका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, मेरा मतलब ये है, हम 8 महीने से बेखूब बनाया गया, हमारे को नई कमेटी आपकी देंगे अप्रूव करेंगे बोलकर, वो क्यों नहीं हो रहा, आखिर कहाँ पर रुक गई, क्या है इसके बारे में? जल्द से जल्द जो ना इसको जो ना आप लोग जो ना पहुँचा कर मीडिया तक जो ना इसको जल्दी ख़त्म करो, और कुछ भी नहीं चाहिए भाई।